हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही नेचुरल हेयर कलर के बारे में, जो कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डार्क बरगंडी कलर कर देता है। फ्रेंड्स, और ये पैक जो मैं बनाऊँगी बिल्कुल ही नेचुरल होगा और मैं हीना पैक से बनाऊँगी, यानी कि मेहंदी में। फ्रेंड्स, मेहंदी में एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जिसके यूज करने से फ्रेंड्स आपके जो हेयर का कलर है बिल्कुल ही बरगंडी कलर में चेंज हो जाएगा और आपके बाल जो हैं सिल्की शाइनी भी हो जाएंगे, साथ ही आपके बाल घने भी हो जाएंगे। क्योंकि हीना पैक लगाने से आपके बाल जो हैं घने भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं, शाइनी भी हो जाते हैं, और साथ ही आपका हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो जाता है, बालों का झड़ना रुक जाता है बिल्कुल, और आपके बाल मजबूत बनते हैं। तो इस हेयर पैक को बनाने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें लेना है हीना यानी कि मेहंदी। तो यहाँ पे मैंने गोदरेज का नूपुर हीना लिया है, जो कि 100% प्योर होता है, और यहाँ पे मैंने 12 ग्राम का 2 पैकेट लिया है फ्रेंड्स, जो कि 5 रुपये में आता है। तो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेहंदी का पैकेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग 2 पैकेट लिया हुआ है, और जिस आपके अगर हेयर की लेंथ ज़्यादा हो तो आप पैकेट ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक बाउल लेंगे और इसमें मेहंदी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेहंदी जो है आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, साथ ही फ्रेंड्स आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और हेयर ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होता है हीना लगाने के। फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं और घने भी होते हैं बाल, क्योंकि इसका जो एक कोट है आपके हेयर पर चढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों पैकेट को डाल लिया है एक बाउल में, और यहाँ पे फ्रेंड्स हम सेकेंड जो इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो तो हेयर के लिए वरदान होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया हुआ है, फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है, जिसमें से मैंने इसे 2 पत्ती कट करके लाई है, और इससे हम जेल निकालेंगे। फ्रेश एलोवेरा जेल आपके हेयर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं फ्रेश एलोवेरा जेल कैसे निकाला जाता है वो आज मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल ही सिंपल है इसे निकालना, बिल्कुल क्लियर एकदम फाइन एलोवेरा जेल निकलता है, आपको इसमें एक भी पल्प एक्स्ट्रा नहीं लम्प्स में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कैसे आप एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं बिना ग्राइंड किए, और ये बिल्कुल ही ओरिजिनल की तरह दिखाई देता है। तो आपके घर भी अगर प्लांट नहीं हो तो प्लीज़ आप प्लांट लगाइए एलोवेरा का, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके स्किन और हेयर दोनों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और भी इसमें विटामिन पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके हेयर को सिल्की शाइनी बनाने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही क्लियरली यहाँ पे मैंने जेल निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन जेल यहाँ पे निकला हुआ है, एक भी बल्ब का टुकड़ा इसमें नहीं आया हुआ है। और मैं ऐसे ही एलोवेरा का जेल निकालती हूँ, तो जो दूसरा इसका पत्ती रखी थी इसके में से भी मैं निकाल कर जेल रख लूँगी, और दोनों का मैंने जेल निकाल लिया है। और अब इस जेल को आप किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं, आप अपने फेस में चाहे तो यूज कर सकते हैं, या तो आप अपने हीना पैक में या कोई भी पैक बना रहे हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि आपके हेयर को सिल्की शाइनी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, और आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव होता है एलोवेरा जेल आपके हेयर के लिए। तो यहाँ पे हम जेल को डाल देंगे हीना पैक में, और यहाँ पे जो हम थर्ड इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, जिसका यूज करने से आपके जो बाल हैं बिल्कुल ही बरगंडी कलर के हो जाएंगे, ये है कत्था। फ्रेंड्स, कत्था यूज करने से फ्रेंड्स, कत्था पैक में यूज करने से आपके बाल जो है तुरंत मतलब एकदम से ब्राउन रेड कलर में हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पाउडर में बना लिया है, और एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे इसका पाउडर लिया हुआ है, और इसे हम मिक्स करेंगे इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। फ्रेंड्स, ये जो कत्था है आपको किसी भी पान वाले दुकान पे मिल जाएगा या ग्रोसरी की दुकान पे भी मिल जाएगा, और ये हेयर के कलर को चेंज करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो आप इसे ज़रूर मंगाइएगा। और यहाँ पे हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे, इसे हम ठंडा पानी में पैक को नहीं तैयार करेंगे, तो हम यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी में इस पैक को तैयार करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इस पानी को, और एक गाढ़ा हमें पैक तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कत्था को नहीं जानते हैं तो आप पान की दुकान पे जाइए, क्योंकि पान में कत्था ही लगाया जाता है, जिससे पान का जो कलर है खाने के बाद आपके रेड हो जाता है, ये कत्था की वजह से ही होता है। तो कत्था आप ज़रूर मंगाइएगा और आप ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें मिक्स करके एक अच्छा सा पैक तैयार कर लेना है गाढ़ा सा, तभी पैक बिल्कुल अच्छा है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस पैक को आपको एक दिन पहले रात को तैयार करना है, यानी कि आपको अगर कल लगाना हो तो आप उसके एक दिन पहले आप रात को इस पैक को तैयार कीजिए, और उसके बाद आप इसे ढक कर रख दीजिए। इससे जो है पैक का कलर बिल्कुल ही
अच्छा आएगा, आपको बालों पे कलर चढ़ेगा और पैक जो है अच्छे से इसमें सभी जो इंग्रेडिएंट्स अच्छे से घुल जाते हैं और उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों को काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट डे आपको इस पैक को अपने हेयर पे अच्छे से क्लीन हेयर पे आपको लगा लेना है अच्छे से, और आपको 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद सिंपली जैसे आप शैम्पू करते हैं बालों को, शैम्पू कर लेना है। उसके बाद आपको कंडीशनर का यूज करना है तो कंडीशनर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो आपके बाल जो है बिल्कुल ही सिल्की शाइनी और बहुत ही ज़्यादा घने नजर आएंगे और आपके बालों का कलर जो है बिल्कुल बर्गंडी कलर में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस हेयर पैक को मंथ में 2 बार जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बालों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके बालों का कलर बिल्कुल ही बर्गंडी कलर रेड ब्राउन में हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी होम रेमेडी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।